आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ न्यू स्वेटर डिजाइन। ये डिजाइन आप लेडीज स्वेटर, जेंट्स स्वेटर, बेबी स्वेटर के लिए डाल सकती हो। तो चलिए ये डिजाइन कैसे बनते बना के देखते हैं। और प्लीज फ्रेंड, वीडियो को स्किप मत कीजिए, शुरू से लेकर एंड तक पूरा वीडियो देखिए, तब आपको ये डिजाइन समझ में आएगा। और ये दो सिलाई की डिजाइन है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी डिजाइन है। तो चलिए बना के देखते हैं ये डिजाइन कैसे बनी है। तो ये डिजाइन बनाने के लिए मैंने, देखिए इसमें फंदा डाले हूँ, तो दो दो सिलाई में ये डिजाइन बनते हैं, तो मैंने इसमें फंदा डाल लिया। अब सबसे पहले बॉर्डर बना लीजिए, उसके बाद अब ये डिजाइन बनाई है। तो चलिए डिजाइन की पहली सिलाई है। पहली सिलाई में देखिए एक फंदा मैंने स्लिप किया, अब एक फंदा देखिए मैंने इसमें दूसरा कलर लिया, एक फंदा बिना, एक स्लिप, एक बिना, एक स्लिप, एक बिना, एक स्लिप, एक बिना, एक स्लिप। देखिए एक फंदा बिना, एक फंदा स्लिप किया। पहले सिलाई हम इसी तरह से पूरे सिलाई बनाएंगे। ये बहुत ही सुंदर डिजाइन है, ये देखिए एक फंदा बिना, एक फंदा स्लिप किया। तो पहली सिलाई हमारे इसी तरह से कंप्लीट किया। रो नंबर टू है, टू रो पर देखिए, टू रो पे देखिए एक, ये जो बिना हुआ फंदा इसको उल्टा बिना, और ये जो स्लिप किया हुआ फंदा इसको स्लिप ही किया। ये देखिए ये स्लिप किया हुआ व्हाइट है तो इसको स्लिप ही किया, ये ऑरेंज कलर है इसको बिना, ये स्लिप, ये बिना, ये स्लिप, ये जो फंदा मतलब आपको बिना हुआ है उसको उल्टा बिनना है उल्टा तरफ से, और जो स्लिप किया हुआ फंदा है उसको स्लिप ही करना है। ये बहुत ही आसान पैटर्न फ्रेंड्स, ये देखिए ये बिना हुआ फंदे को बिना, स्लिप किया हुआ फंदे को मैंने स्लिप किया। तो देखिए हमारे रो नंबर टू कंप्लीट हो गया। अब देखिए रो नंबर थ्री है, थ्री रो पर क्या करना है मुझे, ये फंदा के साथ इस फंदे को एक्सचेंज करना है। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले मैंने ये ऑरेंज को लिया, अब हमारे धागा भी चेंज हो जाएगा, मैंने ऑरेंज कलर से बिना अब व्हाइट कलर लेना है। देखिए ये ऑरेंज को लिया, अब ये जो व्हाइट है इसको इसमें ले लिया, इसको बिनना नहीं फ्रेंड्स, इसको ऐसे ही रखना है। ये जो ऑरेंज कलर की इधर लाया इसी को हमें सीधा बिनना है, ये देखिए इसी को बिना, ये जो व्हाइट का है इसको बिनना है, इसको बिना बुनाए ले लेना है। ये देखिए सबसे पहले और ऑरेंज को लेना है, उसके बाद देखिए ये जो व्हाइट का है हमारे इसको भी इसी सिलाई में ले लेना है। ये देखिए ये इधर आ गया, और ये जो व्हाइट कलर का है इसको बिनना है। ये बहुत इजी पैटर्न है फ्रेंड्स। देखिए ये व्हाइट को बिनना है, ऑरेंज को मैंने ऐसे ले लिया। ये देखिए ये जो दो हमारे व्हाइट दिख रहा है, व्हाइट को इधर लाएंगे, ऑरेंज को इधर लाएंगे। तो देखिए आगे से हमने पहले ऑरेंज को लिया, बाद में देखिए ये व्हाइट को लिया, अब ऑरेंज को ऐसे ही रहना है, इसको बिनना नहीं, बस व्हाइट को ही बिनना है। इसी तरह से रो नंबर थ्री कंप्लीट करना है।
ये देखिए रो नंबर 3 मेरे कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ रो नंबर 4 है, 4 रो उल्टा साइड, इसमें हमारे जितना फंदा है सारा फंदे को उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करना है। इसमें कोई भी फंदा हमें इधर उधर नहीं करना है। देखिए जितना फंदा है सभी को हमें ऑरेंज कलर व्हाइट कलर से बीन लेना है, ऑरेंज को भी बीनना है, व्हाइट को भी उल्टा बीनना है उल्टा साइड से। यही 4 रो का डिजाइन है, यही 4 रो आपको आगे भी रिपीट करना है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज करना है। देखिए पूरा सिलाई मैंने 4 रो उल्टा उल्टा बनाया। अब देखिए क्या करना है, ये 4 रो बनाने के बाद 2 सिलाई आपको सीधा बनाना है। देखिए एक सिलाई इस तरफ से करना है, दूसरी सिलाई उल्टा साइड से उल्टा बनाना है। तो 2 सिलाई के बाद हमारे ये डिजाइन शुरू होता है। पूरा सिलाई उल्टा सीधा सीधा बनाना है। और प्लीज फ्रेंड, डिजाइन अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये देखिए अब उल्टा साइड से पूरा सिलाई हमें उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करना है। दो सिलाई मैंने व्हाइट से बना लिया, अब हमारे डिजाइन फिर से शुरू हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए जैसा हमने पहले सिलाई में बनाया था वैसा ही सेम टू सेम ही बनेगा। तो देखिए ये जो हमारे बीच वाला फंदा दिख रहा है इसी को हम बीनूंगी, और ये जो व्हाइट वाला है पहला फंदा, जैसे पहले फंदा मैंने स्लिप किया था तो पहले फंदा स्लिप ही करना है। अब देखिए इसको बिना, अब ये इसका सीधा देखिए इसके बराबर जो है इसको स्लिप किया, ये फंदा बिना, अब ये देखिए इसके बराबर ये आ रहा है तो इसको स्लिप, जैसा पहले सिलाई बनाया वैसा ही सेम टू सेम बनाना है। यही 4 सिलाई की डिजाइन है, इसी को बार बार आपको रिपीट करना है। ये देखिए इसको स्लिप किया, इसको बिना, अब हमेशा याद रखना इसका आगे वाला जो होगा इसको स्लिप करना है। और ये देखिए ये बिना, ये देखिए ये बीच वाला जो है इसको बिनना है, और ये जो इसका सीधा सीधा जो आ रहा है हमें इसको स्लिप ही करना है। अब ये देखिए ये बीच में जो है इसको बिनना है, बस इसमें यही ध्यान देना है। जो बीना हुआ फंदा उसको बीनना है, और जो स्लिप किया हुआ फंदा उसको स्लिप ही करना है, आपको पहले भी बताया मैंने। ये देखिए बहुत ही सुंदर पैटर्न है फ्रेंड्स। इसको दो दो सिलाई में हमारे धागा चेंज होता है, ऑरेंज कलर की दो दो सिलाई बनता है, उसके बाद हमारे धागा चेंज हो जाते हैं। अब देखिए फिर से इसमें जैसे कि वैसा ही करना है, पहले ऑरेंज को लेना है, उसके बाद देखिए ये जो व्हाइट का है हमें इसको लेना है। ये देखिए अब ये इस साइड आएगा तो इसको बिनना नहीं, इसको बिना बुनाई ले लेना है। अब फिर से देखिए ये जो व्हाइट है इधर आएगा, ऑरेंज इधर आएगा, तो देखिए पहले ऑरेंज को लेना है,
उसके बाद ये जो व्हाइट है इसको लेना है, ये देखिए ये इस साइड आ गया। हमेशा ऑरेंज का जो है आगे की साइड से ही लेना है। अब देखिए इसको लिया, देखिए इसको बिना बुने लेना है, इसको बिनना नहीं है। बस इसी फोर सिलाई की डिजाइन है फ्रेंड्स। फोर सिलाई बनाने के बाद दो सिलाई सीधा सीधा बना लेना है, फिर से आपको डिजाइन दूसरा शुरू हो जाएगा। तो देखिए ये देखिए, अब ये हमारे फोर ऊपर पूरा सिलाई हमें उल्टा बनाना है, इसमें कोई भी फंदा हमें छोड़ना नहीं है। देखिए कितने सुंदर डिजाइन हमारे बनके तैयार हो गया। आशा करती हूँ डिजाइन अभी आपको समझ में आ गया होगा। और प्लीज फ्रेंड, डिजाइन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये देखिए मैंने दो डिजाइन आपको बना के दिखा दिया। देखिए फिर से आपको वही करना है, दो सिलाई और बना के फिर आप डिजाइन बनाइए। जैसा पहले सिलाई में बनाया वैसे सेम टू सेम ही बनेगा। ये देखिए अब उल्टा साइड से उल्टा बनाना है। प्लीज फ्रेंड आप बना के देखिए, ये बहुत ही सुंदर डिजाइन है। अब बच्चे के लिए बनाइए, बड़े के लिए बनाइए। तो चलिए मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।